आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 9:33 तक ही रहेगी। आज रात 11:43 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:37 से शुरू होकर कल की सूर्योदय तक सारे काम बनाने वाला राजयोग रहेगा। राजयोग के दौरान किए गए सभी कार्य अवश्य सफल होते हैं। इसके साथ ही आज दोपहर 12:37 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में नामकरण, विद्यारंभ, नई दुकान खोलना, किसी नए भवन की नींव रखना, विवाह आदि से जुड़े कार्य करना और वाहन खरीदना, ये सब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:32 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:39 पर शुरू हुआ था और रात 8:18 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अगस्त को सुबह 6:48 से 9:14 तक और फिर दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:39 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:39 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक और रात 9:45 से भोर 4:56 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और फिर दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं। अब यह अशुभ समय 29 जुलाई की शाम 6:09 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।